बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म कुन लवलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सल्लत अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत वलीयम व हाफिज़ काइदम व नासिर दलीलम व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन अपनी दुआवां की कबूलियत वास्ते उची सलवात पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबियम व आदम बाईयन अल्माए व तीन सलवा सबिदा सैयदना व शफी जनूबना बिलका से में मोहम मोहम्मद अल मुस्तफा व अशरफ अल अंबिया व अल मुरसलीन ऊंची सलवा दुआए मालिक कायनात बानियन मजलिस मार साहबान दी पुरखलूस फूड़ी विछाई खर्च खराजात नजर न्यास कबूल फरमावे इस घर नू मौला ताक्यामत आबाद शाद फरमावे और नंदे मरहूमीन दे दरजात बुलंद फरमावे शोहदाए करबला दा साया नसीब फरमावे और उन्हदा सफर आखरत बेखतर फरमावे तमाम इज्जतदार मोमिनीन मोमिनात सादात गैर सादात दरबारे आलिया चटोराया मालिक मंजूर ते मकबूल मौला दा सदका मौला मुश्किल आसान फरमावे इस जमीन बना के अल्लाह ताला ने जिहड़ी इस जमीन ते मखलूक अव्वल भेजी है वह बाबा आदम ते अम्मा हव्वा है। इन्हां दो मखलूक दे इलावा अल्लाह कोई मखलूक नहीं और उसते अपने इम्तिहान हैं अपने निजाम हैं खुदा ताला दे बाबे आदम और अम्मा हव्वा नू हजारा मीलां दे फासले ते भेजिया बाबा आदम जड़ी जमीन ते रहंदा ही उस जमीन दा नाम है श्रीलंका जड़ा मौजूदा हुण मुल्क है श्रीलंका श्रीलंका ते साडी जमीन दा आपस च कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि श्रीलंका समंदर विच एक जमीन दा टुकड़ा है बैठ सारा समंदर है दरमियान जमीन है वह मुल्क है उसका ना है श्रीलंका अम्मा हवा जिथे रही आई
उस जमीन का नाम है जद्दा, सऊदी अरब का शहर है। मक्के तो कोई 64-65 किलोमीटर दूर शहर, बहुत खूबसूरत शहर है, समंदर के किनारे। मैं अख्तर इस शहर त्रै राती रही हां, अम्मा हवा की कबर भी उठाई। बाबा आदम रोवे श्रीलंका ते अम्मा रोवे जद्दा। इस शहर का ना ही इसे वास्ते जो अरबी च दादी नू जद्दा आता। पांच सौ साल एक बेदी जुदाई च रुन्ने, पांच सौ जदा मिलन ते किसे उम्मत दे बंदे पूछे आई बाबा ये बात तुसे किवें मिले। आदम फरमाया 500 साल दे बाद हजारां मीलां दे सफर नु खत्म करके सानू आपस विच मिलावण वाले मोहसिन दा नाम अली आबाद रहो, आबाद रहो। जिथे ए मिलन वो एक पहाड़ी काबे तो 7-8 किलोमीटर दूर एक मैदान है जिंदा ना है मैदान अरफात। हाजी हज इस मैदान के किनारे ते एक पहाड़ी है जिंदा ना है जबल रहमत। जबल पहाड़ पहाड़ नु आदन अरबी जबल, जबल रहमत रहमत वाला पहाड़। फिर इसका दूसरा नाम है जबले नूर, नूर वाला पहाड़। सिर्फ मैं जाके रहा जै इस पहाड़ ते 10 मिनट मजलिस पड़ी, कोई जाकिर भी नहीं आज तक पढ़े, पढ़न देंदे ही नहीं। मैनू मौका मिले मैं अपने सोर्सेज नाल बड़ा रश आई, लोग पूरे पाकिस्तान उठाई आई, इंडिया दे लोग ओ। फिर मौला मेहरबानी की थी 10 मिनट में 3-4 मिनट फजैल पढ़ रही थी, उसके बाद फिर मैं मसाह भी पढ़ रही। ये मेरी खुशनसीबी इत्थे मिले। बाबा आदम बैठाई दुआ मंगदा, मेरा अल्लाह मेरे इस तो अगे मैं हुन इम्तिहान दे काबिल नहीं, वास्ते ही पंचन पाक दा मेरी ये मुश्किल आसान। अजे दुआ मंगदे बैठे पीछे मुस्कुरावण दी आवाज आई, मुड़ के दिखा तो हवा मुस्कुरा रही। आबाद रहो। जेड़े वेले ये मिल गए फौरन जिब्राइल आ गए। आदम खुश हैं, फरमाया बड़ा खुश। अच्छा ये जड़ी असर तेन खुशी दीती है अगर इसकी उजरत मंगी जाए। आदम आंदा मैं हाजिर, जिब्राइल आखे तैयार है, फरमाया तैयार। आप फिर उठो बाबा आदम ते अम्मा हव्वा जबले रहमत उपर 7-8 किलोमीटर करके जिथे हुण मौजूद काबा है। जेड़े वेले इत्थे पहुंचे ते आदम बैठा ते पत्थर ते नामे अली लिखे हुए। आबाद रहो। उचा बोलो हैदरी। हजरत आदम ने कदम रुक गए, जिब्राइल ते साडे मुश्किल कुशा दा ना एक है लिखे। जिब्राइल आके मैं लिखे, फरमाया तू क्यों लिखे? तवज्जो है। जिब्राइल आंदा है जदा अल्लाह ने इस जमीन दा फर्श बिछाया है तले पानी है उत्ते जमीन, इस गल दा पता है सारा
पता है ना अहीं करो ओ मियां बोर तलू पानी कट दें तले पानी है सारा जिब्राइल आता है बिजले ले पानी हलदा है जमीन हलदी अल्लाह दा हुक्म आ गया भाई अन करीब में इस जमीन ते एक खलीफा भेज दिए उसकी आल औलाद अरबां दी तादाद जो सी फिर ओ इंसान मैनु इस जमीन ते सजदा करे सन मैं अपनी जात ते आप नाज करे सन मैं पूछया बिस्मिल्लाह मैं पूछया मेरा अल्लाह तेरा तो खिताब हो गया भाई इतने इंसान हो सी ते ये जड़ी जमीन हल्दी है ते पार पार हल्दी है इयो तेरी इबादत करे सन कारोबार करे सन या जमीन पकड़ के बैठे रह सन इदे ही तो कोई बंदोबस्त करना है जो पार पार हल्दी है ते अल्लाह फरमाया तू परेशान ही ना हो सारी जमीन का चक्कर ला जिथे जमीन का सेंटर बने उथे नामे अली लिख आबाद रहो यार तो जेड़ी ए जमीन है सारी जमीन का सेंटर ए जगह आदम पूछया ते मैं केड़ी उजरत देऊं जिब्राइल आख्या अल्लाह चाहंदा है कि जिथे नामे अली लिखे हुए इस ते बैर हद बरारी कर कदली पा या ऐरा रख या चार दीवारी पा जो भी समझ आ हुण ए नहीं पता भाई दो फुट पाई चार पाई पांच पांच असा तो कोल कोई ना इस दी अल्लाह ताला ने हजरत आदम तो बुनियाद रखी और जेड़ा हुजम काबे दा अज है सेम जिथे बाबे आदम एरा रखे आगे उठाई इसन मुकम्मल हजरत इब्राहिम कीता हजरत इब्राहिम पूछिया ना मेरा अल्लाह ये इमामत क्या है अल्लाह फरमाया नबुवत तो उतले ओहदे दा ना इमामत है आबाद रहो अच्छा फरमाया हाँ अच्छा ये नबुवत उतना है फरमाया हाँ क्या तारीफ है नबुवत और इमामत फरमाया नबुवत शरीयत तक महदूद है इमामत इश्क दा नाम है अच्छा किवें फरमाया नबुवत शरीयत पुत्र ज़िबा करना हराम है इश्क जायज है शरीयत च आगे छलांग मारना हराम है इश्क च कख नहीं सुन दे बैठे तुसा शरीयत दे अपने राह हैं इश्क दे इश्क मुश्किल मंजिल है हजरत इब्राहिम फरमाया नहीं मेरा अल्लाह मैं चाहना नबी ते हाँ ही हाँ मैं इमाम भी सड़ी फरमाया इब्राहिम इस तू वड़ा ओहदा क्या तिन देवा जो तू मेरा खलील है तू मेरा दोस्त है दोस्त दोस्त होंदा है भावे जेड़े हाल च जेड़े बंदे वजीर आजम दे दोस्त हैं ओ उन्हें तो कभी टेंशन लई नहीं डायरेक्ट फोन किया तो पीए नु आखे मेरी गल करा गल छोटी वड्डी जेड़ी माड़ी चंगी दोस्त करे दोस्त नु बर्दाश्त करना मैं पिंडी चू आया हूं बड़ा शदीद सर्दी हो बर्फबारी हो जनवरी का महीना ही रावल पिंडी पढ़ के मैं 9 to 10 पढ़िया 2 बजे मैं घर आया हूं रात बा मैं आप बिस्तरे नु वड़िया तो इन 5 मिनट जेले में नींद आ गई फोन आ गई ओ साइलेंट रहना बोल गया ओ मुड़ मैं के हाँ जी उसका क्या त्रौड़ी चू अमन निवाल बलोच बुलेंदा मैं कहा हुक्म कर खैर हो गया 2:30 बजे उसका क्या मलिक निवाल सेंधर दे नंबर दे मलिक मोहम्मद निवास सेंधर दा नंबर मैं क्या मरनी साई 2:30 बजे तेन के लोड़
गल करनी आई मैं जगदा वदोसी मैं महसूस ही ना कि दोस्त जो आई ठीक है चलो और मैं हूं तो मैं सुता पी हाँ दमी हले मैं जल्द उठी सुड़ मैं सुबह नंबर गोल के उन फोन करके लिखाया दोस्त जो इब्राहिम वास्ते एक छोटा ओहदा नहीं जो अल्लाह दा दोस्त है इब्राहिम जो चाहवे वो अल्लाह तो मना सके मगर थोड़ा जिया कोशिश की इब्राहिम भाई मैं चलो नबी हाँ इमाम ही बन जाऊ अल्लाह फरमाया चलो रख इश्क दी पहली पहली पौड़ी ते कदम जा उस घर नु मुकम्मल कर जेड़े घर च मेरे वली अली आमन आबाद रहो इमाम हुसैन वस्ता रखने बिस्मिल्लाह ओ फिर अच्छा मैं दा पंद्रह लोग फरमाया ना ना ज्यादा तो ज्यादा तेरे नाल इस्माइल रल सकदा है ये आम मकान नहीं बैतुल्ला है हजरत इब्राहिम उसारी की थी इस्माइल तगारी चाहिए लख लाना ते अली ना रलने वो जेने घर दे बनावण वाला मिस्त्री इब्राहिम होवे ते मजदूर इस्माइल होवे मैं बड़े समझदार बने पढ़दा खड़ा सारे बोलो हैदरी मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया सैकड़ा साल मुर्शिद एक काबा खड़ा रिया सैकड़ा साल फिर मक्के जदा बाहर दे लोग आने हैं वो पूछते हैं भाई ये तो चलो ये वस्ती है सारे यहाँ ये जरा कल्ला मकान खला एक ही है और देन पता सुने को नबियां बनाया पता नहीं असा तो अख खोलिए इन्हें वेखन लगे हैं जिमें खला है रब जाने क्या राज है राज खुलिया जद इस इमरान का चन्न आया मैं मेहनत करके एक जुमला तुम सुना देना बे 13 रजब नू मौला अमीर दा जहूर काबे च 13 रजब 13 गुजर गई 14 गुजर गई 15 गुजर गई 16 रजब नू हजूर काबे च आए काबे च आके दिठा माँ ही सजदे च पुत्र ही सजदे च आप भी सजदा शुक्र अदा किया और नबूवत वाले हाथ बधाए चाची मेरी अमानत मन दे बीबी ने अली नू चाह के नबी दे हथां ते रखिया तौहीद नू लुत्फ आया जदा ला इलाहा इल्लल्लाह दे घर विचों मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अली जन वलीउल्लाह नू हथां ते चाया आबाद काबा बनाया नबियां नबियां दा नाम है हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल काबे दी बुनियाद रखी है हजरत आदम और हजरत आदम दी पहली कबर मक्के च ये ओ रिवायत है जिन्हें कहीं नहीं पता कोई मैं नहीं पता ये जदा हजरत नूह दी बेड़ी 6 महीने हजरत नूह दी बेड़ी 6 महीने पानी दे तरदी रही वो कहे अरसे तो बाद कोहे अबू कुबैस मक्के च पहाड़ है ये पहाड़ जिन चोटी ते हजूर रात नु मन बंदे हैं ते उठ मन के ठड़ी ठड़ी हवा ले ये अबू जहल और ते मार का एक राती कंड वाले पासू चढ़े ना भाई वन के नौज बिल्ला शहीद करिए नबी या इमाम मासूम ओ हुंदा है जेड़ा जिवें अगा वेखे उन्हें पिछा वेखे जेले मार का पहाड़ी ते चढ़ा है उस ले हजूर पूछे आ गए हो हाँ आ गए हैं फरमाया खैर आई है धीरे ती चढ़े होते हो पहाड़ी उनके आखे ना तो मुकाला मल लेना है उन ला क्या सा मीटिंग की थी है अगर तू नबी है ता एक मौजूदा विखा मुनाफा तेरा कलमा पड़ी फरमाया केड़ा ये चंद नहीं खला चंद फरमाया हाँ अगर ये तुम्हारी नबूवत की गवाही दे तो फिर ऐसा कलमा
साईं नहीं आखे आ गवाही दे, फरमाया इयो चन चन अपना मकाम छोड़ दे, हजूर दे नेड़े आके दो टुकड़े हो, एक टुकड़ा इधरी बगल चो निकल गया, एक इधरी चो निकल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़दा पढ़दा फिर अपनी जात बन गया। इन आके मर दमी करे साए मीटिंग पर साए फरमाया हां हां जाओ जाओ, इस पहाड़ी दे नाल हजरत नूह दी बेड़ी आ रुकी, गल्लां गल्लां अद्धा घंटा पड़ गया, पद बड़ा करनम। अच्छा बिस्मिल्लाह पंजी इंशाल्लाह बैठते इंशाल्लाह, अच्छा अल्लाह तुहानू सलामत रखे, चार पांच पढ़ सा ये कसीदियां दी जात तक गल की थी। अच्छा पढ़दा वो फिर जेड़े इस नुकर नाल आके हजरत नूह दी बेड़ी रुकी, ते नूह पूछया मंदल मुकी, फरमाया नहीं ये रुकी क्यों, फरमाया बेड़ी तो लह इस चोटी दे परले पासे मेरी एक अमानत पई, हजरत आदम ने आके हजरत नूह ने उजा पत्थर हटाए तो हजरत आदम कफन समेत सुते। मेरा अल्लाह ये नबी ये फरमाया आदम इनु चा बेड़ी छक, हजरत नूह ने बाबे आदम नु चा के बेड़ी समाया, फिर बेड़ी टूटी, महीना दो त्राए कुछ अरसे बाद फिर सरजमीन नजफ ते पहुंचे। आबाद रहो जेड़े ले इत्थे आके बेड़ी रुकी, हजरत नूह पूछे मंजिल मुक गई, फरमाया मुक गई, हुण क्या करां, फरमाया जेड़ी उची, हालांकि जेड़े काफी जवारी बैठे हो ते जेड़े नहीं गए मौलत उन ले जावे, नजफ कोई एडी उची जगह नहीं, बाकी जमीन बस थोड़ी जी उची, थोड़ी बस इतनी उची है सिर्फ, मगर एक कुदरत है अल्लाह की कुदरत है, जगह खुश है, वरना दो दो सौ फुट दे पहाड़ पानी च बुडियो हैं, ये खुश है, फरमाया इत्थे कबर बना, हजरत नूह ने कबर बना, हजरत आदम नु समाया, मेरा अल्लाह मैं तेरी अमानत नू इज्जत नाल एहतराम नाल पहुंचाया, इदा मैं ता अजर मंग सकना, फरमाया मंग, नू आख्या बस इदी उजरत है इदे नाल मेरी कबर हो, अल्लाह फरमाया नहीं इदे नाल नहीं एक कबर दी जगह छोड़ के अगली कबर बना ले, ते दरमियान च फरमाया उस समण है जिंदी वजह तू तुसा नबी हो। ए भाई मुख्तार कौड़ा, मैं आप मेरे तो बेइतबारी है, ए रजब मजलिस बड़ी वड्डी करेंदा तू सारे जान दे हो, ते जहा नियाज ही देंदा जवारी ते वेंदा पिया मैं ही पढ़, ते आओ दिल खोल गल तो मुड़ मुक गई, हजार रुपये साड़ी तरफ हुई आ गई तू सही हो, इतना हो सके करो मौला दी, चलो बीबी पाक दी फोड़ी भी छींदा, एक सलवात ही पढ़ो सारे, बावे और हुक्म आई मुख्तार हुसैन शाह दा, और अबुल हसन साडा बड़ा लाडला पुत्र है, वो जिद कर गया है, हालांकि मैं कोडी जी सासन होनी उदा ही जा रही हूँ, इंशाल्लाह मैं आख्या चलो इमरान शाह और ही आने पैन, अल्लाहुम्मे सल्ले अला मुहम्मद, वो फिर सारिया कट वट के आ गए, ताँ मैं खुश खत करके पढ़ता खाला अबुल हसन राजी हो जाए, बावे तो मेरी तो अलहदा गल नहीं, मैं उर्दू सिंधु पढ़ के आना तो मैं पांच एक बजे आ सकता चार पांच, ओए जिन्ना कदमां दे थल्ले जिन्ना कदमां दे, खूबसूरत करके जा फिर से कसीदा पढ़ दा, जिन्ना कदमां दे थल्ले 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 वशदा जहान है
बुझाई मेरा आबाद रहो कुछ बोलो है दरी जिन्ना कदम नारे दा सारे जवाब दे रल के बोलो ऊंचा बोलो है दरी जिन्ना कदम थल्ले जिन्ना कदम थल्ले जिन्ना कदम थल्ले वश दा जहान है कि अब जल्लाए दे दूजाई मेरा ने के अब जल्लाए दे दूजाई मेरा ने अल्लाह दाए का बाजिना अल्लाह दाए का बाजिना दुहाना मकान है ओ है कि अब्दुल्ला है ते दुझाए मेरा आबाद रहो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह आबाद रहो मेहरबानी साईं सलामत रहो जीवो पे बिस्मिल्लाह आबाद रहो हुण मैं चुके पहले दस खलां तुहानूं पहले मैं सुनाई खणा भाई मौला अमीर दा ज़हूर काबे 16 रजब नूं नबी पाक काबे च आए सारा मक्का बारू आया खलाई अकोड़े मुंह वाले भाई विखाए ए जो चौथा दिहाड़ा चढ़ पिया ते तालिब दी अम्मा गई आई इस मकान ते बूहे चो नहीं दीवार फटी आई फिर दीवार मिल गई आई ते हाशमिया ता हाशमे दे कन्ना तो मच्छर नहीं भोगे मुतमैन वदन भाई मस्तूर गई इस कमरे ते आज चौथा दिन ने ते उन्होंने तो ख्याल ही कोई नहीं अपने कारोबार जिले हजूर का भी अले पास टूर उस वेले सारा मक्का बहरा गया वेखिए एक गल क्या अचानक दरवाजा खुला क्या डिठा नबी अली नु हथां ते चा बहरा गए अच्छा हाशमियां दी हर नस्ल च अल्लाह दो दो ऐसे हालांकि 12-12 भिरा हैं हाशमी 12-12 भिरा हैं दो दो भिरा अल्लाह हर पीढ़ी च ऐसे बनाए जिन्हां दी मिसाल ही कोई भिरा नु चा के हथां ते कुल्ले ईमान नु एंग बहरा गए सारा मक्का वेख रिया है एंग करके कुल्ले ईमान दा मत्था चूमे फरमाया या अली को पढ़ त्राए दिना दा अली बोले तौरात पढ़ा बड़े समझदार बने पढ़दा खड़ा आबाद रहो जबूर पढ़ा इंजील पढ़ा या जेड़ा अजे आया ही नहीं कुरान पढ़ा लफ्ज कुरान दा तारुफ ही कोई नहीं दुनिया नाम ही दुनिया ते कोई नहीं किसे कदी चाया बे कुरान क्या है मगर मौला अली ने नबी दे हथां ते त्रै दिन दे अली ने सूरह मोमिनून दियां कुछ आयतां तिलावत आबाद रहो सलामत रहो अच्छा ओ पिछा प्यो दादे ते दीद पई ना हजूर दी बे हर पीढ़ी च दो 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 अल्लाह ऐसे जोड़ बना के भेजन जेड़े दुनिया तो मुनफरद ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਬੀ ਆਦਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਆਈਏ ਮੱਕੇ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਆਈਏ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਫਿਰ ਚਾ ਬਣਾਈਏ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਫਿਰ ਚਾ ਬਣਾਈਏ ਸਾਰੇ हाथ ऊंचे करो सारे बोलो हैदरी आबाद रहो आबाद रहो मेहरबानी बाबा जी शुक्रिया सलामत रहो मेहरबानी दुआ जो है अली मेहरबान जी
جیو پے مکے دی تاریخ اللہ پھر چادر آئے مکے دی تاریخ اللہ پھر چادر آئے رب نے میرانی جوڑی پھر چا بنائی رب نے میرانی جوڑی پھر چا بنائی سارے مہربانی سے مہربانی آباد رہو بسم اللہ اے میرا اج دا موضوع علی شہن شاہ 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 علی کو نبی جان دے یا خدا آباد رہو بسم اللہ علی شہن شاہ میرا اج دا موضوع علی شہن شاہ علی کو نبی جان دے یا خدا میرا اج دا موضوع علی شہن سوچن دی گل اے بے بندہ اونوں ٹکر دے وے جنہ نال کو دو چار ڈنگ کڈے تے صحیح دھوتی ہوئی چگلاں نہ مڈ نہ پاند نہ گل نہ بات نہ لانا ہک نہ دیو لکھ لانا تے مقابلہ تو پہلے بندہ اچھا کوئی قدم ہی چاہو بندہ سوچے جیڈا ہی چگل ہوئے سوچے نہ تے بھئی جو کروں آئے دیوے جو گھاٹا ہے منافع کیا ہے کدی تا سوچے ہاں کہیں دے نال ٹکر پیا لے لائیں علی دی ولادت وی اللہ دے گھر ہے علی دی شہادت وی اللہ دے گھر ہے آباد رہو یا مہربانی سائیں علی دی ولادت وی اللہ دے گھر ہے علی دی شہادت وی اللہ دے گھر ہے علی دی ولادت وی اللہ دے گھر ہے علی دی شہادت وی اللہ دے گھر ہے علی جیسے سجدے کرے گا ردائے علی جیسے سجدے مسجد بڑی مہربانی 40 منٹ پڑ چکا میں بس میں 2-3 منٹ میرا چھوٹا بھائی عزیز جناب قبلہ نوید بادشاہ صاحب تشریف رکھ دین عالم دین بھی ان مقرر بھی ان خطیب بھی اور عقیدے والے موالی سیدن مولا زندگی کرے انہاں دی مہربانی ہے انہاں اپنا ٹائم من دیتا ہے مینوں باوے اوراں کہ آئی لمبیری کر کے پڑھنی تے میں ویسے معذرت کرے سا شاہ صاحب تو 40 منٹ پڑھ چکا 2-4 منٹ باقی پڑھدا آباد رہو کدی بھی جیڑا بندہ ہے نا بندے چوں جمے ہویا اونوں پتہ ہوندا ہے حق کیا ہے تے باطل کیا ہر کہ نوں پتہ ہوندا ہے آ کو روزی روٹی دا ڈیڈ پیٹ دا مسئلہ ہوندا ہے بندے کول چولا نکل ویندیاں وہ صرف یہ وجہ ہوندی ہے یار پیو دادا جو انج آئی میں قبلہ 43 بندے نو علی ولی اللہ پڑھا چکا میری اللہم صلی اللہ باقاعدہ نام لکھ کے میں رکھے ہوں نام لکھ کے جنہ بندے نو میں علی ولی اللہ پڑھایا
बंदा एक बंदे नु राह रास्त लाया वे उस जन्नत वाजिब मैं तजर्बा है बड़ा तजर्बा ढेर बंदे छे छे महीने जिद की थी वे रहने प्यो दादा इन हूं मुलोख एक हालांकि हक वास्ते तो नबी भी फरमाए तुहानू हक नजर आ गया नस्ल छोड़ दियो आबाद रहो ओ बंदे आदे हैं फुलां इन कीता ते फुलां इन कीता ते फुलां फुलां दी वजह तू इस्लाम आया ते फुलां ए फुलां शुलां ने मैं आखे फुलां दे पोतरा कदी अल्लाह दे घर खलो के सच्ची बोल रहा कदी ए जुमला ताखे आचा ए आज पे कदी मौलवी नहीं दसाया अली ने इकादर शरबत पिलाया आबाद रहो सारे बोलो हैदरी मेहरबानी बाबा जी आबाद रहो ए आज पे कदी मौलवी नहीं दचाया अली ने कातल शरबत पिलाया मुल्ला शफी करते भी दचाए मुल्ला शफी करते भी दचाए एक शेर खुदा कामयाब हो गया है करीम अली लजपाल अली मेरे मौला नू मेरे मौला दे कातिल अब्दुर रहमान इब्न मुलजम लानत करो हराम जादे एओ कमीना है जे पर्दे से चली दियां धियां दे वाल खुला जेले लाला जी जेले गिरफ्तार करके लाए हैं ना गिरफ्तार कर उसले जो हकायक हैं इस हरामी दसन उना विचु है गल्ले वैन प्या करदा जलप जय बारी खुद बोले आए मैं कुरान को अद विचु खोल आए जलप जय आए आबाद रहो आबाद रहो नौकर साईं आबाद रहो जलप जय बारी खुद बोले लहू बच गया पुस अली मुर्तजा हाय दिता आरिश मुसल्ले ते दरब लगी बस बीबी दा वास्ता है नाराज ना होवे फिर बड़ो दरब जे मारी ओ खुद बोले आए मैं कुरान को अध विचु खोल आए दिता अरश सारा मैं रब दा हलाए दिता अरश सारा मैं रब दा हलाए लहू बच गया पुश अली बाबा जी तुसा मजलूम दे बड़े पुराने मदा खान हो मैं स्कूल पढ़दा है जदा तुसा नाम भर आवे मौला तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे अल्लाह तुहाडे बच्चियां नू रंग लावे खुदा जान दई मुसल्ले ते दरब लगी कुल्ले ईमान नू मैनू वेखी भाई ए दरब लगी है इत्थे सिद्धी इत्थे पहली जरब लगी आई जाफरी जंगे खंदक विच मौला अमीर नु जंगे खंदक विच इत्थे पहले जरब लगी आई इत्थू इत्थू तलवार तुरी आई ए इत्थे रुकी आई जिथू वाल उगदे पैन इत्थे ए पहली जरब आई ते जेड़ी इस लांती मारी है ए इत्थू तुरी है ए इत्थे आ रुकी है इत्थू तक सर खुल गया मौला हसन दौड़े बाबे नु पट्टी बदी एन करके ए एन चा के घर आ गए धियां ही रोंदियां खड़ी पुत्री रोंदे अचानक कुल्ले ईमान हाथ छाया
इंज पट्टी आई ना इंज इंज पट्टी आई हाथ चाया हसन मौला बाबे दा हाथ चुमिया घर तई रोंदा वैसे अगर मेरा वैन तो गौर नाल सुन लिया हसन आदा है बाबा खैर ता है अली फरमाया देन हसन मेरी अखा तू पट्टी हटा मौला हसन अखा तू पट्टी हटाई कुल्ले ईमान सजे दिठा खबे दिठा हसन आदा है बाबा क्या पेड़े देओ फरमाया देन हर कोई रोंदा खड़ा है मेरा अलमाला नहीं आया अलमाले दा नाम आया हसन मातम कर गया दाए अलहदा मातम करे नाम दाए दीवारा च टकरा मरे दा वदाए अदा वदा कातल दा नाम सा हसन दाए अलहदा दम करे ना बदा है दीवारा तकरा मरे ना बदा है खड़ा आहा दशा बेर कर हौसलाए खड़ा आए दशा बेर कर हौसलाए नजरिया दी पई मैं कुहन कर बला सदा सलाम।